हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लोरी शिल्पी। और मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ बॉडी क्यूपिड का कंडीशनर, जो बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ वैसलीन बॉडी लोशन, जो मैंने पूरी बॉडी पर लगा ली, बिकॉज़ आज करवा का डे है, तो शाम को खूब मतलब मॉइस्चर बना रहे, इसलिए मैंने इसे पूरी बॉडी पे यूज़ कर लिया है। एंड अब मैं यहाँ पर मेरी फेवरेट गुलाबरी की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो मैं फेस पे लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं सुबह नीचे जाने को तैयार हो रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है स्ट्रॉबेरी का लिप बाम। और मैं इयररिंग्स को रोज़ उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे ना नाइट में गड़ते हैं, तो मैं सुबह अभी से पहन रही हूँ। और मैं ढूंढ रही हूँ बिंदी मेरी, तो यहाँ मैंने बिंदी लगा ली है। और फिर मैं बाल को कॉम करती हूँ, तो मुझे याद आता है कि अरे, मैंने हेयर वॉश किया और मैंने सीरम तो अप्लाई नहीं किया, तो मैं यहाँ पर सीरम अप्लाई कर रही हूँ, बट पूरे बालों में लग नहीं पाया, तो मैं इसे खोल कर पूरे बालों में अच्छे से लगा रही हूँ। सो ये गाइस, मैं मॉर्निंग में तैयार हो रही हूँ नीचे जाने के लिए, और मैंने सबको नाश्ता पानी करा दिया है अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर अपने काम करने बैठ गई हूँ, जो कि बन रहे हैं फरे। और जल्दी जल्दी से मैं इसे बना लेती हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी। तो मेरे यहाँ पर फरे बन के तैयार है, मैंने उसे स्टीमर में चढ़ा दिया है। और ये देखिए, अच्छे से इसमें स्टीम हो जाते हैं। ये इडली का सांचा है, इडली का स्टीमर है, तो यहाँ मैंने इसको तैयार कर दिया है। और फिर माँ ने बोला तुम रेस्ट कर लो, कढ़ी वगैरह वो बना लेंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये स्टीम होकर निकल आया है, और फिर इसे रख दिया जाएगा। और फिर मैं ऊपर आ गई, और इन लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, और मैं अब उठने वाली हूँ। और मैं 4 बजे उठ गई, मैंने बालों पे अपना काम तो यहाँ शुरू कर मैंने अपने दिया। बालों का काम शुरू कर दिया है, जो कि मैं शाम को अपना हेयर स्टाइल बनाऊंगी ना, उसके प्रिपरेशन के लिए ये काम है। कि बॉडी के ऊपर कंडीशनर इतना ज़्यादा सही है ना, कि इतने सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। बट मुझे यहाँ पर नाइट में जो मैं बन बनाने वाली हूँ, उसके फ्रंट के लिए मुझे अपने बालों में वॉल्यूम चाहिए, तो मैंने आज आगे के बालों में कंडीशनर नहीं अप्लाई किया है। मैंने कई बार उस आगे के बालों में शैम्पू अप्लाई किया। शैम्पू मैं सनसिल्क पिंक ही यूज़ करती हूँ सिर्फ। ओके, तो शाम को वॉल्यूम लाने के लिए मेरे पास क्रिम्पलिंग मशीन नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपने बालों में पतली पतली सी चोटी गुथ रही हूँ, जो कि आपको शाम को पता चलेगा कि वो कैसे लगने वाले हैं, मेरे मेकअप में पता चलेगा आपको। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपनी चोटी गुथ लेती हूँ। और ये देखिए, फटाफट फटाफट आगे के मतलब बालों में को डिवाइड करके मैंने चोटी गुथ ली है। और अब मैं इन बालों को, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये जो है वेवी हो जाए। यहाँ पर मुझे थोड़ा अफ्रीकन लुक लग रहा था, मैंने ऐसे कर दिया। तो मैं जल्दी जल्दी से चाह रही हूँ कि ये बाल ऐसे क्रिम हो जाए, तो उसके लिए मैं स्ट्रेटनर इस पर कर दूंगी, ताकि ये अच्छे से जो है मेरे बाल थोड़े से वेवी हो जाएं, ताकि नाइट में जब मैं इस पे कुछ भी बालों का वो करूं, तो इसमें हैवी सा लुक आ जाए, मेरे फ्रंट लुक में वॉल्यूम आ जाए मेरे बालों में। तो इसलिए आप, अगर आपके पास भी नहीं है कोई मशीन, तो आप देसी स्टाइल अपना सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। अच्छा, जब तक मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर भी करते जाइए। और लाइक तो कर दीजिए भाई, राइट हैंड साइड में आपके नीचे थंब। तो फिर मैंने अपने बालों को अच्छे से कर लिया है, स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं, क्रिम्प कर रही हूँ मैं, जो कि आप देख सकते हैं, जो मेरे बाल हैं, मेरी चोटी है, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेट रहते हैं मेरे बाल। तो फिलहाल वो हो गया है, चोटी बना ली है, शाम तक वो अच्छे से हो जाएगी, तब तक मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ। एक्चुअली बीच में मैं सो गई थी, और अभी मैं 4 बजे उठी, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अल्पना, जिससे कि शाम को पूजा होगी छत पे। तो यहाँ हम बनाते हैं अल्पना के अंदर गणेश जी और चांद, सूरज बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, और जिसके यहाँ जो भी चीज़ बनती होगी वो बनाता है। तो ये जो कलश वगैरह हम लोग रखते हैं, तो वो हम इसी के अंदर रखते हैं, और सारी पूजा हम इसी को ही भगवान मान के पूजा करते हैं। और सामने ऐसे हम लोग बनाते हैं कि सामने ही फ्रंट में हमारे जब चांद निकले, तो वो फ्रंट में दिखे। तो यहाँ पर मेरी अल्पना बन रही है फटाफट फटाफट से, और ये देखिए, ये बन के तैयार हो गई है। तो ये मेरा छत वाला काम हो गया, अब मैं नीचे तैयार होने जा रही हूँ। और ये देखिए, मेरा कितना खूबसूरत वाइन एंड गोल्डन लहंगा है, बट इसका जो ब्लाउज था ना, वो गोल्डन कलर का था, तो मुझे कुछ कंट्रास्ट में चाहिए था। तो मैंने इसे पी रोड कानपुर से लिया था,
और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ग्रीन डार्क का ही कलर का ब्लाउज यूज़ किया है जो कि मैंने लखनऊ अमीनाबाद से लिया है। और ये है मेरी बिछिया और मेरी पायल जो कि मेरी शादी पे मेरे चढ़ावे में चढ़ी थी, तो वो करवा करवा या बरगद की पूजा में ही निकलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेड भाई, मेरे से तो नहीं संभलती है ये, तो इसे भी मैंने दिखा दिया है। और बस कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि मैं आ रही हूँ। और मेरा मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आ गई, बट मुझसे ना यहाँ पर आधी पूजा जो है ना मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड ही गिर गया था, तो मेरे से जितना शूट हो पाया मैंने उतना ही शूट किया। तो मेरा यहाँ करवा का शूट हो गया और अब मैं यहाँ सेल्फी शूट कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। और ये देखिए मेरा करवा का स्पेशल गिफ्ट, बहुत ज़्यादा प्यारे सुंदर से इयररिंग्स हैं। मैंने हबी को मना किया था मेरे को कुछ भी गोल्ड का नहीं देना, बिकॉज वो ऑलरेडी मुझे काफ़ी पैसे दे चुके थे एडवांस में, गिफ्ट दे चुके थे करवा का कि आप प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर लेना ब्यूटी प्रोडक्ट्स की।
बट इन्होंने फिर भी मुझे सरप्राइज एक गिफ्ट दिया, बहुत प्यारा था। गाइस करवा हो गया और आपका करवा कैसा रहा जरूर बताइएगा। और पूरे दिन भूखे रहने के बाद मीठा वगैरह खा लिया है, बट अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। और परे मैंने खा लिए और कढ़ी रोटी खाने जा रही हूँ। और ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी करवा चौथ, बाय। ओके, तो यह है करवा के बाद वाला काम, जिसमें मैं जल्दी जल्दी से अपने जो बन है ना उसे रिमूव कर रही हूँ, रबर बैंड निकाल रही हूँ, फिर डोनट निकाल रही हूँ, फिर क्लिप्स वगैरह निकाल के मैं अच्छे से कर ले रही हूँ, बिकॉज़ ये सब भी काम बाद में करने पड़ते हैं, पहले मेकअप करो फिर उसको रिमूव करो। अच्छा, मैं यहाँ पर ना अपनी हेयर पिंस और सेफ्टी पिंस को ना अलग अलग करके रखती हूँ, जैसे मैंने ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं ना, इनमें ही मैं रख देती हूँ, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता बाद में। ओके, तो आज का ये चैनल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज़।